शासन के निर्देश पर 1 मार्च से प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, जिसके तहत रोस्टर के हिसाब से 50% ही छात्र स्कूल जाएंगे, शेष 50% छात्र दूसरे दिन स्कूल जाएंगे, जिसके संबंध में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि कोरोना के बाद प्रदेश में अब स्थिति सामान्य हो गई है तथा प्रदेश में टीकाकरण तेजी से हो रहा है, जिसको देखते हुए बच्चों के भविष्य तथा पढ़ाई को लेकर 1 मार्च से प्राथमिक विद्यालय को खोला जा रहा है। उन्होंने अभिभावकों तथा अध्यापकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों के अंदर किसी तरह का लक्षण दिखाई देने पर तुरंत उपचार व टेस्ट जरूर करवाएं। छात्रों के अंदर किसी भी तरह की बीमारी या समस्या हो तो विद्यालय ना भेजें, ठीक होने पर ही विद्यालय भेजें, जिससे कि छात्रों की पढ़ाई बाधित ना होने पाए। उन्होंने 1 साल बाद विद्यालय खुलने पर छात्रों को बधाई व शुभकामना दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल प्रबंधन के कारण उत्तर प्रदेश में इस कोरोना काल के बाद अब स्थितियां लगभग सामान्य हैं। बहुत तेज़ी से टीकाकरण हो रहा है, इसलिए बच्चों के अध्ययन अध्यापन में अब और ज़्यादा क्षति ना हो, इसे ध्यान में रख करके हम स्कूल खोल रहे हैं। भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, हमारे स्वास्थ्य विभाग के समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनका ध्यान रखते हुए कल से स्कूल खुलेंगे। मैं अपने सभी अभिभावकों से भी अपील करूंगा कि बच्चों, वैसे तो बच्चे पूरे इस कोविड काल में बड़ों से ज़्यादा जागरूक रहे हैं, हाथ धुलना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, वो बच्चे भी घर में बताते रहते हैं, फिर भी अभिभावक उनका ध्यान रखें। हमारे शिक्षक भी आने वाले कुछ महीनों तक शिक्षक से ज़्यादा अभिभावक की भूमिका में रहें, बच्चों का ध्यान रखें, कहीं किसी के भीतर कोई लक्षण दिखे तो उसको तुरंत घर भेजकर उसका जांच कराएं, या ऐसे बच्चों को स्कूल ना भेजें और पूरी सावधानी बरतते हुए पठन पाठन की प्रक्रिया फिर से सामान्य हो सके, इसके लिए हम आग्रह करते हैं। 13 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री के नाते मैं भी उपस्थित था। 13 मार्च 2020 को उस समय निर्णय लिया गया था कि तत्काल स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं और प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक उसी समय बंद कर दिया गया था। मुझे लगता है लगभग 1 साल बाद विश्वविद्यालय और इंटर कॉलेजेस तो पहले खुल चुके थे, हमारे जूनियर हाई स्कूल भी 10 फरवरी को खुल चुके थे, लेकिन हमारे प्राइमरी स्कूल लगभग 1 साल बाद खुलने जा रहे हैं, ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है।